सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। एंड गाइस, काफ़ी दिनों के बाद अर्थमेटिक की वीडियो आ रही है। तो चार पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज करेंगे पार्ट नंबर 5, जिसमें हम करेंगे 81 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक। टोटल 20 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो है पार्टनरशिप पर। उसमें है पी, क्यू और आर, तीन पार्टनर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं 128, 156, 164, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है इनका सेम है, तो ये था 164, ठीक है। टाइम पीरियड इनका सेम है, तो इनका डायरेक्ट हम रेशियो ले लेंगे, 0:0 मैंने पहले ही हटा दिया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3, 2, इधर करेंगे 3 और फिर आएगा 9 प्लस इधर आ जाएगा 4 और 1, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आ गया। आप क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट रिसीव बाय क्यू और आर, क्यू और आर का जो डिफरेंस है ना प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट के हमारे रेशियो आ गए। तो इनका डिफरेंस है 3 का रेशियो, इस 3 की वैल्यू है 1660, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है 5 आ गया। और फिर एक सेकेंड, 2 है ये, 3 नहीं है 2, तो वही मैं सोचूँ डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी 8 और 3 0, ठीक है। और फिर पूछा क्या है, पी का प्रॉफिट पूछा है, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 830 into 32, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0 3 2 6 और 8 2 16, 16 और 9 25, 5 2, 8 3 24, 25 26, ठीक है। तो 26,560 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। तो 82, एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ। तो 82 है जो मंथली सैलरी दे रखी है, उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो मंथली सैलरी है विकी की, विकी और विनय के बीच में रेशियो दे रखा, परसेंटेज का दे रखा है 87.5। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 7/8, ठीक है। तो 7 विकी का है और विनय का है 8, और फिर हमको दे रखा है परसेंटेज और सैलरी ऑफ विजय 120% है। 120% मतलब 6/5 किसका है, विकी का, ठीक है। अब विकी का इधर 5 है उधर 7 है, तो इसको हम एक बार कर लेंगे, इस वाली फर्स्ट वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और नीचे वाली को 7 से, तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा सेम। लिख लेते हैं विनय इधर, एक सेकेंड, विकी और इधर आ गया विनय और इधर आ जाएगा विजय, ठीक है। तो विकी का हमारा 35, विनय का 8 5 40, ठीक है। और फिर बच गया विजय, 7 6 42। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ द मंथली सैलरी ऑफ विजय, तो विजय की मंथली सैलरी है, विजय कितना है 42, इसी की वैल्यू है 17220, ठीक है। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने से करें, 7 6 7 2 14, 3 2 7 4 28, 4 2 7 6 42 0, फिर 6 पे गया 4 और 1 0, तो 1410 ये इसका आ गया। और पूछा है कि सम सैलरी का, सम पूछा है विनय और विकी का, तो विनय ये रहा, ठीक है 40, और विकी का है 35, तो टोटल हो जाएगा 75, इनटू कर देंगे 75 से, ठीक है। तो 0 5 और 5 के 20 और 7 27 2 7 28 19 30, 30,750 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है जो कि एक बैग को सोल्ड करता है 5,950 का, और उस पर 15% का डिस्काउंट देता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब 5950 15% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है। तो 100 पर हम किसी भी चीज़ का डिस्काउंट देंगे तो माइनस करेंगे, तो 100 पर मान लेते हैं हमने डिस्काउंट दिया था, तो ये 85 बच गया, 15 माइनस कर देंगे, तो ये जो है 85% की वैल्यू है, ठीक है। और इसकी हम 100 निकाल लेंगे तो सी पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, देखते हैं कितने पे जाएगा ये, इसको काटते हैं 5 पर ही काटते हैं पहले, 8 2 16 1 17, 1 1 4 5 आ जाएगा 9, यहाँ से 0 और 17 ये जाएगा 5 7 पर 7 0, तो ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगी 7,000 आ जाएगी, ठीक है, सीपी की वैल्यू, ठीक है। 100% की वैल्यू हमारी आ गई 7,000।
तो उसमें क्या पूछा है कि इफ़ ही मार्क अप द प्राइस 40% अबोव द, एक सेकेंड, ये सीपी नहीं आया, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने। तो ये जो 85 की वैल्यू थी एसपी की, ठीक है, और उसमें हमने 100% निकाल लिया, मतलब इसका ये आ गया एमपी आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि अगर मार्क प्राइस पे हम 40% बढ़ाया है, तो मतलब कि ये जो 7000 है 140 की वैल्यू होगी, तो 100 की निकालें तो यहाँ से हमारा जो आएगा ये सीपी आएगा, ठीक है। तो 50 तो 5000 आ जाएगा हमारा सीपी, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने भी, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो अब करते हैं 84। तो 84 हमारे पास क्या है कि 26 पेन दे रखे हैं जो कि रेड हैं, और 14 ब्लैक पेन, और 10 हैं ब्लू पेन, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि वन पेन इज ड्रॉन, एक पेन वो निकालता है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि वो ब्लू नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ना ब्लू को ही निकाल लेंगे, ठीक है, और ब्लू को निकाल के वन में से माइनस कर लेंगे, तो बाकी की हमारी जो दोनों पेन के निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। तो ब्लू पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10 सी वन अपॉन टोटल कितने हैं ये 50 सी वन, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 10 अपॉन 50 यानी कि 1/5, इसको वन में से माइनस कर देंगे, इसको 1 माइनस 1/5, तो ये हमारी निकल के कितनी आ जाएगी 4/5 जो आएगी ना, ये हमारी दोनों पेन के निकलने की आएगी जिसमें ब्लू नहीं होगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर मिक्स कर 72 केजी 40 रुपीज़ पर केजी वाली शुगर को, ओके, और 96 केजी शुगर जो होती है वो है 54 वाली, तो लिख लेते हैं 72 केजी तो है एक और एक है 96, तो इनका हम रेशियो लेंगे, ठीक है, 9 से 8 9 1 96 है ना, तो 8 से काटते हैं इसको 9 और फिर 1 और 2, ठीक है, 12 से काट, 8 से काटा 1 2 हो गया, फिर 3 और 4, ठीक है। तो ये इनकी क्वांटिटी का रेशो आ गया, और इसको हम वेटेड एवरेज से निकालेंगे जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो जो ये है 3 रेशो है वो है 40 रुपीज़ पर केजी वाली, ठीक है, और सेकंड वाली जो है 54 रुपीज़ वाली है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर बाद में इनको ऐड करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 120 प्लस 4 4 16 एक 5 5 20 और एक 21 और डिवाइड करेंगे इन दोनों के रेशियो से, रेशियो है 7 6 दो और एक 3 3 अपॉन 7 7 4 28, ठीक है, और फिर बचे 5 6 7 8 56। तो 48 जो आया ना इसकी सीपी निकल के आई है। और फिर क्या बोल रहा है कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं 16.66% के ऊपर तो इसका प्राइस क्या बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16.66 की 1/6 होती है, तो प्रॉफिट हम 1/6 होती है, प्रॉफिट एक का हो रहा है 6 पर, तो 7 की वैल्यू हमें निकालने, 6 की वैल्यू हमारी ये है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 6 48, तो इंटू 8 कर देंगे, 8 और 7 56 आ जाएगा ये, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। तो 86 हमको क्या बोला है कि जो बोट है कवर करती है 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 360 डाउनस्ट्रीम है तो यू प्लस वी, और 200 जो है अपस्ट्रीम में यू माइनस वी हो रहा है, ठीक है, ये इसको टाइम लग रहा है एक्स आवर का, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, जो स्पीड रेशियो दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू द बोट, ओके, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू द बोट इन ए स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की तो यार कम होनी चाहिए ना, वरना तो आते टाइम तो पहुंच ही नहीं पाएगी, तो ये रेशियो इसका गलत दे रखा है गाइस, ठीक है। तो यू और वी का रेशियो दे रखा है इसमें, तो यू का हमारा 2 है और ये 1 है, इसमें गलत इंटरचेंज करके दे रखा है, तो इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की दे रखी है, अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा यू माइनस वी करेंगे तो 1, 1 की वैल्यू दे रखी है 40, तो ये कितना हो जाएगा 80,
इधर ये हो जाएगा 40। तो अब हम इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 360 अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे 120 प्लस 200, और डाउन स्ट्रीम है तो माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। ये आ गया 5 और 12 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8 आवर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो 87 हमारा क्या है, प्रेजेंट एज दे रखी है दिव्या और नव्या की। सो दिव्या और नव्या की दे रखी है एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 9, और रेशो दे रखा है दिव्या और नव्या का आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स मतलब कि ये प्रेजेंट हो गया, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, और इसमें भी नव्या में भी एक्स प्लस 9 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, इसी का रेशो दे रखा है 6/7। ठीक है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना होगा 8 × 5 = 13, 7x प्लस 13 × 7 = 91 इक्वल्स टू 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 17, और 17 और 6 को करेंगे 7 × 6 = 42, 4 × 6 = 102। ठीक है, तो x उस तरफ जाके सिर्फ एक x बचेगा, इक्वल्स टू 9, 10 और 11, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी आ गई 11। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दिव्या की एज निकालनी है 7 साल पहले की। तो दिव्या की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 है तो x की वैल्यू है 11, प्रेजेंट एज जो दिव्या की होगी वो हो जाएगी 16, और हमें निकालनी है 7 साल पहले की, माइनस 7 कर देंगे तो 9 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिव्या का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सो क्वेश्चन नंबर 88, एक सेकेंड, ठीक है, तो 88 में क्या बोल रहा है कि सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, तो सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया इसका होता क्या है। सो टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका 2 × LV प्लस BH प्लस HL, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1332, 2 से काट देंगे 6 6, और यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। फिर क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है इसकी, विड्थ दे रखी है, और हाइट दे रखी है 6x 5x और 4x, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो L × B कितना हो जाएगा 30x² प्लस B × H 20x² L × H कितना हो जाएगा 24x² इक्वल्स टू 6 6 6, ये एक्स स्क्वेयर करना मत भूलना, ठीक है, वरना आंसर आपका गलत आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 30 50 60 70 64 आ गया, 64 आएगा क्या, 74 आएगा, सॉरी, तो 74x² इक्वल्स टू 666, x² इक्वल्स टू 666/74, तो ये कितने पे जाएगा डायरेक्ट, 9 8 = 32, 9 + 36, 9 पे जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है इसका, L × B × H होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पूछा क्या है, इतना हमने निकाल लिया, फिर क्या पूछा है कि साइड ऑफ क्यूब है ना 2 सेंटीमीटर लेस है इसके लेंथ से, तो लेंथ हम निकाल लेते हैं 6x की वैल्यू 3, तो लेंथ आ गई हमारी 18, इसमें से 2 माइनस करेंगे 16 जो है वो क्यूब का साइड आ गया। ठीक है, अब हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो a क्यूब कर देंगे इसका, इसी का 16 क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4096, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। सो 89 क्वेश्चन है, 89 में क्या दे रखा है, सम दे रखा है, अ सम ऑफ रुपीज 8900 इन्वेस्टेड x% कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, 2 साल के लिए लगाया जाता है, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 साल के बाद जो है इसका इंटरेस्ट निकल के आता है 1869, तो डायरेक्ट हम इसको निकाल लेते हैं 1869/8900 × 100। ठीक है, 0 से 0 गया, अब ये कितने पे जाएगा 2 पर, ठीक है, 2 पे जाने के बाद 9 × 18 8 × 16 = 16 6 7 8 और 1 9, तो 21 आएगा, 21% 2 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये किसका होता है 10% का, मैंने आपको बताया 2 साल का निकालने का क्या होता है। ठीक है, तो उसी से हमने डायरेक्ट निकाला 2 साल का,
ठीक है, 2 साल का हमारा आया 21%, और जो एक वही कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में इसका क्या होता है, CI की फॉर्म में क्या हो जाएगा रेट इसका 10%, ठीक है, 1 साल का, सेकंड ईयर का इसका 21% हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें निकालना क्या है, इसमें हमें रेट पता चल गया है, एंड देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5340 पर, तो कितना 10% 3 साल के लिए 0000000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 12 1 × 3 = 10 1 × 5 = 15 और 1 = 16, ठीक है, 1602, ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 में क्या दे रखा है कि पी अलोन कैन फिनिश वर्क, पी किसी काम को x+4 days में करता है, वही क्यू किसी काम को उसी काम को क्यू करता है x+10 days में, ठीक है, और दोनों मिलकर के पी प्लस क्यू मिलकर के 80/3 में करते हैं, ठीक है, इतने दिन में करते हैं। और फिर क्या है, इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्ट फ्रॉम क्यू से स्टार्ट करते हैं, इफ पी इज, तो इनकी एफिशिएंसी भी हमें गिवन है, तो पी की एफिशिएंसी है 25% मोर, यानी कि 5/4 क्यू, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी है 5 × 4 = 9, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का काम, दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 80 × 9/ ये कितना आ गया 9x है ये, ठीक है, 3। और फिर हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द क्यू टू कंप्लीट अलोन द वर्क, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया, क्यू अलोन कितने दिन में, 4 कर देंगे 4x, तो x से x कट जाएगा, 4 से ये 2 0, 3 से ये 3 कट गया, 60 आया क्या, 2 0 3, एक सेकंड देख लेते हैं, 60 तो है ही नहीं आंसर, सो एक सेकंड, सो इसको छोड़ते हैं एक बार, दूसरे तरीके से देखते हैं हम, दूसरा क्या लगाएंगे कि जो इनका टाइम दे रखा है इनका ये, ठीक है, अब टाइम देने के बाद इसका एफिशिएंसी के साथ होता है क्रॉस रिलेशन, तो पी की अगर टाइम है x+4 तो क्यू का एफिशिएंसी हो जाएगी x+4 और पी की एफिशिएंसी हो जाएगी x+10, और वही एफिशिएंसी का जो रेशियो है हमारे पास गिवन है 5 और 4, तो इन्हीं का रेशियो दे रखा है 5 और 4, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4x+40 = 5x+20, तो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा x = 20 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, q कितने दिन में करता है, यहाँ पे q की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दें तो q आ जाएगा 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऐसे मत करना, ये सही है, ठीक है, ये पता नहीं गलत हो गया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सो क्वेश्चन नंबर 91 है, द लेंथ ऑफ 5 मीटर विथ रेक्टेंगुलर कर्टन, ठीक है, एक सेकेंड, रेक्टेंगुलर की कर्टन की लेंथ दे रखी है इतनी, और विड्थ दे रखी है, लेंथ हो गई 12, विड्थ दे दी इसने 5, फाइंड द रेशियो ऑफ द पैरामीटर एंड लाइन, तो पैरामीटर क्या होता है 2 × L+B कर दे देंगे, ठीक है, और इक्वल्स टू में डायगोनल होता है इनका अंडर द रूट a² L² + B², ठीक है, तो ये 169 बन जाएगा, तो 13 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 17 × 17 = 34, तो 34:13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये रेशियो है इसका। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, तो 92 में क्या दे रखा है, अखिल बाय शर्ट फ्रॉम शॉप फॉर रुपीज इतना, ठीक है, और शॉपकीपर मेक्स प्रॉफिट तो इतने पर बेचता है, तो SP होगी हमारी 910, और प्रॉफिट जो लेता है वो उसका 1/6 होती है 16.66 की, ठीक है, तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 1 का प्रॉफिट 6 पर तो कितना हो जाएगा 7/6, 6 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी 7 की वैल्यू दे रखी है ये,
तो 910.77 बन जा 730, और प्रॉफिट बताना है इसने कितना लिया। प्रॉफिट तो एक का ही लिया तो यही इसका आंसर हो जाएगा 130। ठीक है, एक ही रेशियो की वैल्यू, एक ही तो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, और एक की वैल्यू हमने निकाल ली 130, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, 93 में क्या बोल रहा है कि ऑन संडे अ पर्सन टुक, एक संडे को एक बंदा 4500 स्टेप चलता है 36 स्टेप पर मिनट के हिसाब से, तो इसकी स्पीड हम निकाल लेंगे। ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इसने कवर किया 4500, स्पीड कितनी आ जाएगी 36 पर मिनट है। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे 12 + 1=12, 3 + 0 = 24, 12 + 5 = 7। ठीक है, स्पीड आ गया 125 स्टेप पर मिनट। ठीक है, और फिर क्या है कि मंडे को वो बंदा चलता है 5600 स्टेप्स। ओके, तो जो उसकी स्पीड होती है x - x 36 - x होती है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसने स्पीड तो दे ही दी, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। नीचे एक और लाइन दे रखी है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द संडे और मंडे। ठीक है, तो संडे और मंडे का टाइम दे दिया, उनका रेशियो 5:7, तो इस 5 की वैल्यू है 125, पता जाएगा कि × 25 किया। ठीक है, तो × 25 इधर करेंगे 175, अब निकल जाएगा यहाँ से, तो उसकी स्पीड दे रखी है 36 - x = कितना टाइम, कितने स्टेप चलता है 5600 / टाइम हमें पता चल गया 175 है। ठीक है, अब इसको करेंगे हम डायरेक्ट डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ से 4 आ जाएगा, और 7 + 7 = 21, और 7 × 2 = 14, तो x इस तरफ आएगा, ये उस तरफ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यही हमें निकालनी थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, तो 94 में क्या बोला है, मोहिनी इन्वेस्ट एन अमाउंट 24,000 विद सिंपल इंटरेस्ट, ओके, एज मैनी ईयर एज इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो इसका हमें SI निकालना है ना, तो SI हमारा कितना हो जाएगा, एक इफ द इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट भी दे रखा है, SI दे रखा है इसने, तो रेट और वही निकालने, हमें 15,360 इंटरेस्ट लिया आया है इसके पास, SI = P कितना है 24,000 हो गया, और R और T हमारा इक्वल है इसमें क्वेश्चन में, तो एक ही मान लेंगे, टी स्क्वेयर मान लेते हैं हम, अपॉन में 100, तो ये गया 100, 0 यहाँ से गया, 12 + 1=12, 12 × 2 = 24, और 24 जाने, एक सेकंड, 12 + 3 = 3, 12 × 2 जाने के बाद ये कितना बचा, यहाँ से 2 आ गया, 3 + 3, तो फिर 24 कर दिया मैंने, 6 + 8 = 6, कुछ गलत लिख दिया क्या, बारह यहाँ से गया, ठीक है, तो 3 आ गया, और फिर 3 × 12 × 24, तो 6, 7, 8, 9 आएगा ना, वही मैं सोच रहा, 12 × 8 = 96 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से 64 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो टी कितना आ जाएगा, 8 हमारे पास, तो यही रेट भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 में क्या है कि दो कैंडिडेट्स हैं, पवन और सुमन, इलेक्शन में, ठीक है, और 35 ऑफ द टोटल वोट आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो टोटल हमारे पास थे 100 वोट्स। ठीक है, इसमें से 35% जो वोट हैं वो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने 65। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ द वैलिड वोट गोट बाय पवन और सुमन, तो यही वैलिड वोट है हमारे। ठीक है, तो पवन और सुमन का इनका रेशियो दे रखा है 3 / 2, 65 /
फाइव करेंगे 13, 13, 39% इसको मिले हैं, 13, 26 इसको मिले हैं, और डिफरेंस इनका दे रखा है 520। तो ये 13 की डिफरेंस की वैल्यू है 520, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5, 13, 54, 40। तो टोटल जो वोट इनवैलिड वोट पूछा है, एक की वैल्यू है 40, इनवैलिड वोट थे हमारे 35, तो ये कितना आ जाएगा 15, 0, 5, 20, 2, 4, 3, 12, 13, 14, 1400 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 हमने कर लिया, तो 96 है नेक्स्ट। सो 96 क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोल रहा है कि 56 केजी ऑफ मिक्सचर है 56 केजी का, ठीक है, और जिसमें से 75% मतलब कि 3:1 का रेशियो दे रखा है वीट और राइस का, ठीक है, तो इसको 4 से करेंगे 1 and 4, 14, 3, 42, 14, 1, 14, तो ये इनकी क्वांटिटी आ गई कितना कितना है। फिर आगे क्या बोलता है कि अनदर मिक्सचर है जो कि 40 केजी का है, ठीक है, उसमें जो है वही वीट और राइस है, और वीट जो है 45 है, यानी कि 9:11 का रेशियो है इनका, तो ये हो जाएगी 18 और इधर आ जाएगा 22, ठीक है। तो बोथ मिक्सचर अगर मिक्स कर देते हैं तो उनका रेशियो बताना क्या बनेगा, तो ये वीट वीट में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, और राइस राइस में ऐड कर देंगे 4 और 1 6 और 1 3, तो 6 आ जाएगा 10, 6 36, 5 और 3 इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, तो 97 हमारा क्या बोल रहा है कि रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज का राहुल और मायरा का, तो इधर लिख लेते हैं राहुल और मायरा एक्स रेशियो वाई, और फिर क्या दे रखा है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ प्राची द रेशियो ऑफ देयर एज, प्राची जो है उसके जन्म हुआ उस टाइम पर इन दोनों का रेशियो जो था 22:19 था। फिर क्या बोल रहा है कि प्राची इज़ 4 years old ना, तो मतलब कि 4 साल पहले का रेशियो है ये, ठीक है, तो इसको हम 4 साल पहले बना देंगे, x माइनस 4 कर देंगे, है ना। एक सेकेंड दोबारा देखते हैं, तो द रेशियो ऑफ देयर एज इज दिस, इफ द प्राची इज़ 4 years old now and एज ऑफ मायरा एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ प्राची, तो प्राची के बर्थ के टाइम पर जो मायरा थी इसकी एज थी 38, तो आज 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 42, ठीक है, और यही इसने रेशियो भी दे रखा था जो प्राची और मायरा का इनका रेशियो दे रखा था 22:19, ठीक है, तो ये 42 हो गया, ठीक है, तो एक सेकेंड, कोई और तरीका इसका, तो देखो सिंपल सा है, जब प्राची दोबारा से समझाता हूँ मैं इसको, एक्स और वाई इनका रेशियो दे रखा है राहुल और मायरा का, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं कि प्राची है जिसका बर्थ होता है, ठीक है, उस टाइम पर दोनों की एज का रेशियो कितना होता है 22, 22:19 उस टाइम इनकी एज का रेशियो होता है, ठीक है, और वो कब है, और प्राची की जो आज एज है ना वो 4 साल है, और जब उसका जन्म हुआ था उस टाइम पर प्राची का जब जन्म हुआ मायरा की एज कितनी थी 38, यानी कि 2 times था, तो इसका कितना हो जाएगा 44, अब ये 4 साल पहले की एज है तो प्लस 4 कर देंगे, आज की एज आ जाएगी 48 और इधर आ जाएगा 42, ठीक है, तो प्रेजेंट एज यही हमारा एक्स और वाई का रेशियो आ गया, तो एक्स की वैल्यू है 48 और वाई की है 42, यही पूछा है 3 into x पूछा है 48:2 into 42, तो इसको हम कर देंगे 2 से 2, 4 यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और 2 और 1 7 आ जाएगा, 12:7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा,
ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा था नहीं वैसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन जो हैं इन्होंने कॉलोनीज दे रखी हैं, एक्स वाई और जेड, जिनमें टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं 4, 5 और 7। तो नंबर ऑफ मेल इन द कॉलोनीज आर दिस दिस दिस। तो इसको हम और इजी करने के लिए दो दो जीरो लगा लेंगे, ठीक है, 500 400 ये बना लेंगे इसको। तो मेल का मेल का परसेंटेज दे रखा है एक्स में है 80%, 8 चौक 32, 320 इसमें मेल हो जाएंगे, तो बची हुई फीमेल, इधर फीमेल हो जाएगी 80। तो वैसे ही इसमें है 50 का 500 का 3/4, तो ये कितना आ गया 250, 125, 375 आ गई मेल, इधर 125 आ जाएगा फीमेल, और इसमें 25% दे रखा है, तो ये हो जाएगा 175, और बचे हुए 525 फीमेल हो जाएगा। और पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल, फीमेल का परसेंटेज पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 500 और 550, 650, तो 730, 730 अपॉन में टोटल कितना है 7, 7 5 12, 1600, ठीक है, इनटू 100 करेंगे तो 00 8 3 6 5, तो 365/8 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। 99 में क्या बोल रहा है कि 16 बॉयज़ हैं किसी काम को 9 घंटे, एक दिन में 9 घंटे काम करके 40% वर्क कंप्लीट करते हैं, 40% ओके, मतलब कि 2 काम कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, तो 24 बॉय 15 घंटे एक दिन में काम करके, ठीक है, कितने दिन में रिमेनिंग काम कितना बच गया 3, उसको कंप्लीट कर देंगे। तो 3 इधर आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, 2 से ये 2 गया, 3 इधर 5 2, तो डी की वैल्यू आ गई 6, तो ये 6 दिन में काम पूरा कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, 1/3 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें क्या बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल और एक्स ब्लू और 7 ब्लैक, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड पेंस, ठीक है, 5C2 अपॉन टोटल है 7 और 5 12 प्लस XC2, तो इसकी दे रखी है 1/19, ठीक है, तो 9 5 4, दो दो ऊपर से दोनों कट जाएंगे, 12 प्लस X और 11 प्लस X इक्वल्स टू दे रखा है 1/19, 5 चौके 20 आ गए यहाँ से, और 20 19 करेंगे तो 38, ठीक है, इक्वल्स टू में 12 और 11 2, 3 और 1 प्लस 2 और 1 3, 2 X, और फिर एक सेकेंड रुको, इसको हम थोड़ा और एक्स ही निकालना है ना हमें, तो इसको और थोड़ा इजी करने के लिए 380 यहाँ से आ गया, प्लस 12 प्लस X और 11 प्लस X, एज इट इज ही रहने देते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और क्वेश्चन के तो इसमें डायरेक्ट हम एक्स एक्स का जो क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे ना, वही डायरेक्ट पुट करके फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले 6 रखेंगे, 12 और 6 इंटू, और यहाँ से आएगा 17, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 आ ही नहीं रहा। 5 12 और 5 17 इंटू 5, इसमें ऐड करेंगे तो 16, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और 7 पुट करेंगे तो 19 इंटू 18, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 8 है 20, ये कर सकता है इंटू, और इधर 8 रख रखेंगे तो 19, हाँ ये बन गया। तो एक्स की वैल्यू जो आई है हमारी 8 आई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते, रूट्स निकालते, तो इससे ज़्यादा टाइम ही लगता है उसमें, बजाय कि हमने डायरेक्ट ऑप्शन से पुट किया, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो अगले नेक्स्ट आएंगे आपके कल, ठीक है, आप कंटिन्यू आएंगे, अभी मेरी तबीयत ठीक है, सो अभी हम कंटिन्यू ही करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड थैंक यू, बाय बाय।